फिल्म बने, एक ऐसे एटमॉस्फेयर की फिल्म बने जो हमारे बहुत करीब हो। और चूँकि हम वेस्टर्न यूपी से हैं, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, ये बहुत अच्छी अच्छी कहानी कही जा सकती है वहाँ वहाँ की चीज़ों को लेकर। तो ये एक मन में ख्याल आया था, चूँकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमारी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हमने देखा है वो चीज़ें, तो उस स्टोरी को कहने का आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं। सी, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, बट कोशिश की है मैंने। जो हमारे कुमार साहब हैं, उन्होंने गवा लिया मेरे से, बस बाकी मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं गा सकता हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ सिंगर। बट उसमें था कुछ ऐसे रॉ एलिमेंट थे उसमें, जिसमें आवाज़ मेरी शायद सूट हो, मे बी। प्रैक्टिस की मैंने, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रैप सॉन्ग में, जो इस सॉन्ग में स्पेशली ये ख़ास बात थी कि वर्ड्स जो थे उसके, जो वर्ड्स हैं, लव्स हैं उसके, वो खुद ही एक रिदम देते हैं। तो आप अगर नॉर्मली भी पढ़ दो उसको, तो एक और रिदम के साथ पढ़ दो तो गाना बन जाता है। तमन्ना, पहले जब मैंने सुना कि नवाज जी के साथ एक फिल्म ऑफर हुई है, मैं पहले चेक कर दी कि क्या वो सोर्स करेक्ट है कि नहीं, कोई मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा, कोई ऐसे ही तो फ़ोन करके नहीं बोल रहा कि नवाज के साथ फिल्म है। तो मैंने पहले वो चेक किया, इज़ इट जेन्युइन और नॉट, बिकॉज आई हैव बीन डन सो मेनी फिल्म्स हियर। एंड पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नवाज, लाइक एवरीबडी एल्स, एंड जस्ट लव योर वर्क। एंड इस किस्म की स्क्रिप्ट मैंने कभी आज तक की नहीं है। एंड ऑफकोर्स साउथ की जो भी फिल्में की हैं मैंने, उसमें रूरल साउथ को काफ़ी सारी बार दर्शाया होगा, लेकिन इस किस्म से नॉर्थन इंडिया का यू नो एक प्रदर्शन नहीं किया है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इस किस्म का किरदार मुझे ऑफर किया गया है, मेरे लिए बिल्कुल भी नया होगा। एंड या आई मीन आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू जस्ट बी इन द सेम फ्रेम विद नवाज, बिकॉज एज एन एक्टर यही तो एक चाह रहती है कि कुछ नया करने को मिले, कुछ जस्ट टू यू नो एक्सप्लोर अ न्यू कैरेक्टर। सो आई थिंक मैं उसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे सिंगर हैं जो बेहद पसंद हैं हम, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, मुझे रफ़ी साहब, किशोर कुमार, इस तरह के उनके गाने बहुत पसंद थे बचपन में। मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ इस फिल्म में, और मैं बस ये कह सकता हूँ कि वी आर लकी वी हैव तमन्ना राइट नाउ, और जो भी होता है अच्छा भी होता है। जो बाकी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें तो मैं नहीं जाता, वो सारी प्रोड्यूसर के साथ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसमें हम नहीं जा सकते। बट नाउ वी हैव तमन्ना एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद तमन्ना। थैंकफुली इस फिल्म में मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं, और लाइक अनुराग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम राजपाल हैं, आदित्य श्रीवास्तव हैं, जिनको मैं, हम 25-30 साल पहले हम लोग साथ में थिएटर करते थे, तो उस टाइम के एक्टर्स हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द ऑल टीम ऑफ एक्टर्स। नेम उनके साथ एक्ट काफ़ी मैंने किया भी है, एक दो फिल्मों में किया है मैंने, एक फिल्म में किया था घूम के, तो वो रिलीज नहीं हुई अभी, बहुत पहले एक फिल्म की थी, दो तीन फिल्मों में किया है उनके साथ एक्ट। सी, ब्रदर है ऑफकोर्स, बट यू नो मुझे तो एज एन एक्टर ही काम करना है, मैं कोई एडवांटेज उस चीज़ की उठाना नहीं चाहता हूँ, ना उसको उठानी चाहिए मैं, कि हम लोग जो सेट पे होंगे तो प्रोफेशनली जिस तरीके से बाकी फिल्मों में काम किया है उसी तरीके से इस फिल्म में भी काम करें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑफकोर्स। आपने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था जो बाल ठाकरे फिल्म आ रही थी, ये सीजन वन का बाप होगा, तो कुछ थोड़ा और बताएंगे किस तरह से शेप अप हुई है फिल्म, ये सीरीज और क्या कुछ बताएं? 2 मिनट का ट्रेलर भी था, उससे बहुत कुछ बांध के रख दिया कि क्या है अंदर, क्या है गाय टोंडी जिंदा है हमें पता चलता है, बैक स्टोरी और चल रही है और क्या है। ठीक है, इसके सीरीज़ के बारे में ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, आई थिंक जितना ट्रेलर से रिवील हो रहा है उतना ही हम अलाउड हैं बोलने के लिए। बट ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फर्स्ट सीजन से था बहुत आगे का सेकंड सीजन। क्या कोई कॉम्प्लीमेंट मिला आपको जिस तरह का अंदाज नज़र आ रहा है, सोफिस्टिकेटेड अंदाज आपका नज़र आ रहा है? अभी ट्रेलर में क्या कह सकते हैं, ट्रेलर में तो मतलब जो दिख रहा है वही है, जो तो जब आएगा सीरीज आएगा तब पता चलेगा। फिल्म के साथ मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग पूरी तरह से भूल जाएं कि मैंने आज तक कोई फिल्म की है, और मुझे एक न्यू कमर जैसे अपनाए, बिकॉज एक नया किरदार है, एंड आई लिटरली वांट टू अटेम्प्ट इट विथ नथिंग इन माय माइंड। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा अपने
अपने इमोशंस पे ध्यान देके इस फिल्म को एंजॉय करना चाहती हूँ. सो एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट. सो मैंने आज तक क्या किया है और आज तक मैं कौन हूँ वो सब मिटा के कुछ नया करना चाहती हूँ. देखिए ये एक फैमिली फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि इसमें बच्चे और माँ बाप पूरी फैमिली की फैमिली आए, तो हम लोग उस चीज़ का ख्याल रखेंगे क्योंकि उसके लिए मेरे बहुत सारे मैं कर चुका हूँ तो ऑलरेडी मेरे पे ठप्पा लगा हुआ है इस तरह का. तो मैं नहीं चाहता इस फिल्म में कुछ ऐसा हो, बट ये ज़रूर है कि जो प्यार है बहुत ही इंटेंस होने वाला है. प्यार मोहब्बत जो इस फिल्म में दिखाएंगे और एक फैमिली ऐसी फिल्म जो पूरी फैमिली के साथ देख सकेंगे.